Subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियों को मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने नोटबंदी के फैसले से बदहाली और जीएसटी के कारोबार को ठेस पहुंचने की बात को जोर शोर से रखा। वहीं बीजेपी ने चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बड़ी आर्थिक फैसलों को लेने की क्षमता की बात कही। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में देश से भ्रष्टाचार खत्म करने और कारोबारी सुगमता की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत के साथ रखते हुए विकास के गुजरात मॉडल को भुनाने की कोशिश की। ऐसे में गुजरात चुनाव के नतीजे से एक बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि 2019 के आम चुनाव में इकोनॉमी का मुद्दा कितना अहम रहेगा। गुजरात चुनाव के नतीजे दो बड़ी सियासी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। सवाल उठने लगे हैं, क्या यह नतीजे 2019 के चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था का एजेंडा तय करने में कामयाब होंगे? SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।